अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। कैसे सैनिक खुद फंस गया बॉर्डर पर? क्या एक आम बाप लड़ पाएगा अपने बेटे के लिए? बड़े उत्कर्ष उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे या नहीं? So hello to my lovely viewers. Welcome back to your favorite YouTube channel Polyglot Studios. This is Riya और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म गदर पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब जंग प्यार की होती है तो कहते हैं कि आदमी अगर सब कुछ हार भी जाए तो भी प्यार मिल जाने पर जीत उसकी ही होती है। कुछ ऐसा ही हमने देखा था गदर में, किस तरह ने सनी ने अपने प्यार के लिए बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ी थी और ना सिर्फ लड़ी थी बल्कि जीती। और अगर बात करें गदर 2 की, जहां हमारे सनी बॉर्डर क्रॉस करेंगे और अपने प्यार के लिए ही, लेकिन इस बार ये प्यार होगा उनके बेटे यानी जीते पुत्र जी के लिए। तो जी हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि उत्कर्ष शर्मा ही सनी देओल के बेटे के कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे और अब वो मूवी में बड़े हो चुके हैं और अपने देश के लिए सैनिक बने हुए हैं। कहानी कुछ घूमती है और हमारे सैनिक बॉर्डर पर जाकर फंस जाते हैं, उसकी जिंदगी और मौत पर बैन आती है और फिर ऐसी में ही उम्मीदें हैं अपने बेटे के लिए बाप का प्रेम, और इसी के कारण फिर वो जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान अपने बच्चे को बचाने। वैसे यूं तो अनिल शर्मा ने पहले भी बाप और बेटे के रिलेशनशिप पर बेस्ड हुई मूवीज काफी हिट कराई हैं, तो इस बार भी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि गदर पार्ट 2 भी काफी फेमस और हिट भी हो जाएगी। सनी की बेजोर एक्टिंग की वजह से उनकी तारीफ से आज तक ऑडियंस को स्पेल बाउंड कर रहे हैं और वो भी एक उम्दा कलाकार की निशानी है। अब हमें इस बार भी देखना है क्या अब भी वही बात बची है या फिर कलाओं में की नहीं, या एक बार फिर वो हमें हैरान करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। हर कहानी का क्लाइमैक्स ही एक्चुअली डिसाइड करता है कि अब हम आगे पब्लिक यानी फैन से किस रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी मूवी में आपकी फेवरेट हीरो की डेथ हो जाए तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी लाइन की क्वेश्चन नहीं मिल सकती। तो बस बात वैसी ही है, एक बार फिर अनिल के डायरेक्शन में क्या जादू होने वाला है और इसका रिफ्लेक्शन उम्मीद ही की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी देखने को मिले। इस मूवी से उम्मीदें और भी बढ़ जाने का कारण ये है कि इसमें सारे चेहरे पुराने हो भी सकते हैं। तो आखिर क्या कहानी होगी और सनी कैसे अपने जीते पुत्र को बचाएंगे और बचा पाएंगे कि नहीं, ये तो अभी सिर्फ मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो आप इस मूवी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहें मेरे साथ।